हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द न्यू पार्ट आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करें दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सो अगेन जस्ट होप कि आपने प्रीवियस के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो कवरअप कर लिए होंगे वो सब देख लिया होगा और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था स्टूडेंट्स की आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो हम प्रीवियस अब तक थ्योरीज पढ़ते आए हैं उन सारी थ्योरीज में अगर आपने नोटिस किया हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक सिग्निफिकेंट रोल हमने पढ़ा है राइट तो आज हम एक्जेक्टली exactly डिटेल में बात करने वाले कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है और ये किस तरीके से कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है राइट चलो तो देखो आगे पढ़ने के लिए देखो थोड़ा सा पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा फिर हम रीड करेंगे सो टुडे देयर इज हार्डली एन इकोनमी विच सेल्फ सफिशिएंट एंड प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट इट नीड्स अभी तक की थ्योरीज पढ़ के आपको ये बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट कि प्रेजेंटली कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं होगी जो ऑलमोस्ट हर वो चीज बना रही है जो उनकी रिक्वायरमेंट है एवरी कंट्री इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज दैट गुड्स द गुड दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन द कंट्री और कैन बी प्रोड्यूस ओनली एट हायर कॉस्ट देन फॉरन सप्लायर्स वो कह रहे हैं के कि अगर हर कंट्री की बात की जाए तो हर कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं Uh, मतलब कुछ चीजें बना रही है जो शायद उनकी कंट्री में अवेलेबिलिटी लैक ऑफ स्किल्स की वजह से स्पेशलाइजेशन की कमी की वजह से रिसोर्सेज की वजह से कम कॉस्ट पे बनती है तो बेटर रहता है उन कंट्रीज से वो सामान मंगा लेना जिन कंट्रीज में आपको कंपेरेटिवली सस्ता मिल जाए राइट लाइक वाइज कंट्री एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज द गुड्स एंड सर्विसेज विच इट कैन सप्लाई विद विदिव एडवांटेज इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन अचीव थ्रू दिस मैनर इज बेनिफिशियल टू ऑल कंट्रीज इन अ वर्ल्ड ऑफ फ्री ट्रेड

अब इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या रोल है वो समझते हैं देखो सुन ध्यान समझना द थिंग इज बैलेंस ऑफ पेमेंट और मुझे नहीं लगता ये समझने में आप लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंज आएगा क्योंकि स्टूडेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट वो टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आप लोग ऑलरेडी ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर कर चुके हो राइट right? और अगर जस्ट इन केस किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो ग्रेजुएशन में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में जरूर बैलेंस ऑफ पेमेंट की कुछ थ्योरीज पढ़ ली होंगी बट स्टिल मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा क्योंकि हमारे सिलेबस का एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन है अच्छे क्वेश्चन से आते हैं इज बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले आप एक ऑर्डनरी भाषा में समझो अगर आप एक बिजनेसमैन है चाहे मैन्युफैक्चरर है चाहे आप ट्रेडर हैं आप किसी भी तरीके के अगर मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडर हैं तो आप बिजनेस करेंगे अगर आप बिजनेस करते हो स्टूडेंट्स, तो आपने किससे कितना सामान मंगाया किसको कितना सामान दिया सामान में उधार पे कितना सामान गया है कैश पे कितना सामान आया है कितना इन्वेंट्री आपके पास बचा हुआ है कितना इन्वेंट्री आपको किसी पर्टिकुलर चीज का ऑर्डर करना है ये सारी ट्रांजेक्शन को आप हर महीने हर दिन के हिसाब से रिकॉर्ड करते हो और एट एंड जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो आप उसको कंपाइल करके एक स्टेटमेंट तैयार करते हो राइट है ना पहले ट्रेडिंग अकाउंट फिर पी एंडल अकाउंट एंड देन लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हो आप सो देट आप ये समझ पाओ कि आपके पास एट फाइनेंशियल ईयर एंड आपकी कंट्री जो है उस कंट्री के पास क्या मतलब सॉरी आप, आपकी जो कंपनी है उस कंपनी का क्या इकोनॉमिक स्टेटस है मतलब आपके पास कितना मतलब सरप्लस में में आया है है सामान कितना डेफिसिट रह गया है, क्या एसेट्स आ है, क्या आ गई गई हैं क्या इन सब का आप एक पूरा रिकॉर्ड बनाते हो और उसी रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को अगर मैं सॉरी उसी रिकॉर्ड को हम कहते हैं आपकी बैलेंस शीट कहते हैं जो आपकी पोजिशन इकोनॉमिक जो आपकी पोजिशन है उसको दिखाता है अब एक बात समझो अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट तो वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी रिकॉर्ड बनाएगा रेगुलर बेसिस पे आप कितने आइटम्स को इंपोर्ट कर रहे हैं आप कितना आइटम को एक्सपोर्ट कर रहे हो आप इसका ट्रेड का रिकॉर्ड बना के रखोगे हमेशा अपने पास साथ ही साथ में आ, कितना सामान गया किस किस पार्टी को गया कौन सी कंट्री को गया है किस क्वालिटी का गया ये सब चीजों का रिकॉर्ड बनेगा लेकिन एक बात समझो कि अगर मान लो आप कोई भी एक एक्सपोर्टर हो ठीक है या फिर आप कोई भी एक इंपोर्टर हो तो आप जो रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, वो सेल्फ ही होगा ना सेल्फ का मतलब क्या है वो आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि मैंने एक साल के अंदर कितना इंपोर्ट या कितना एक्सपोर्ट कर लिया राइट क्योंकि तो मुझे मेरा ही डेटा पता होगा बाकी और भी कंट्री में लोग हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व तो होंगे लेकिन हमें उनके डेटा का नहीं पता कि कितना इंपोर्ट कर लिया कितना एक्सपोर्ट कर लिया हमें क्या पता है इस बारे में कि उन्होंने कितना किया और कितना नहीं किया इसीलिए स्टूडेंट इसी, इसी चीज को समझने के लिए होता क्या है कंट्री को तो एक डेटा बनाना पड़ेगा ना ताकि कंट्री ये देख सके एक्चुअली कंट्रीज बात को सुपरवाइज कर सके कि एक साल के अंदर हमारी कंट्री क्या क्या आइटम्स को कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करती है क्या क्या आइटम्स को हमारी कंट्री कितनी चीजों के लिए कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट करती है बेस्ड ऑन दिस डेटा हम अलग अलग रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं कि हमारी कंट्री नेट एक्सपोर्टर है या हमारी कंट्री एक नेट इंपोर्टर है तो हम इन सब चीजों का डेटा पूरा बना के रखते हैं जो डेटा ये बनाया जाता है अफकोर्स ये डेटा बनाने में गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही जो है वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया आपको केवल आपका डेटा पता होगा ना अब आप एक अपनी कंपनी को सोच के देखो आपको क्या पता दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या है दूसरी कंपनी का क्या चीज है आपको नहीं पता सरकार को ये सारी जो सरकार की कुछ अथॉरिटीज होती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं जो पूरा जो एक साल में ट्रेड हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं कैसे ये कैसे हो सकता है ट्रेड भाई देखो ट्रेड जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो या तो बाय एयर होगा ठीक है या फिर बाय वॉटर होगा या फिर बाय रोड होगा है ना जैसे कुछ कंट्रीज आपस में रोड के थ्रू भी तो कनेक्टेड है तो रोड होगा तो तीनों में से कुछ एक ही तरीके से हो सकता है तो कहीं ना कहीं क्या क्या चीजें आप भेज रहे हो या क्या क्या मंगा रहे हो इन तीनों अथॉरिटीज के पास उसका डेटा रहता है इन तीनों अथॉरिटीज से वो डेटा ये अथॉरिटीज देती है

कि एक साल के अंदर जितना भी आपने इंपोर्ट किया जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट जो तैयार किया जाएगा उसी को क्या कहा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट सो इफ आई नीड टू राइट इट फॉर यू सो आई कैन राइट इट रेफर्स टू द अकाउंटिंग अब पहले स्टूडेंट आप यह बात समझ लेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है अकाउंटिंग स्टेटमेंट आप समझते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि एवरी एंट्री एवरी एंट्री डुअल एस्पेक्ट है ना आप डबल बुक कीपिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड है हर एक एंट्री डेबिट भी जाएगी और हर एक एंट्री क्रेडिट भी जाएगी राइट सो इट रेफर्स टू द अकाउंटिंग स्टेटमेंट ओके

तो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं का काम होता है तो प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट और ये किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड वर्ल्ड ठीक है एक देश के लोगों और दुनिया के बाकी देश के लोगों के बीच में जितना भी ट्रेड होगा इकोनॉमिक ट्रेड उन सबको एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा और स्टूडेंट वो जो रिकॉर्ड बनेगा उसी रिकॉर्ड का क्या नाम दिया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो होपफुली अब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब समझ में आ गया एक बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम समझे तो रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट राइट थोड़ा सा और प्रिसाइस हो जाए तो रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स एंड आउटफ्लो ऑफ फ़ॉरेक्स, है ना क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो भी पेमेंट्स वगैरह होंगी, वो किस में होंगी फॉरेक्स में होंगी

ईयर के हिसाब से करेगी राइट जस्ट चलो आगे मुझे देखा है इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री और सॉर्ट ऑफ मिरर रिफ्लेक्टिंग द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड फंड्स बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री

तो पहले जरा हम ये समझ लें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का क्या मतलब तो देखो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो कि हमने लिखा कि कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन है मनी इन्वॉल्व होता है ठीक है उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं तो अगर हम समझें कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है तो कुछ आपको ब्रीफ आइडिया देता हूं फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहली जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन सूरन मानी जाती है दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल सबसे पहला ठीक है तो आपको ही पता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जो ट्रेड कर रही है उस ट्रेड को सबसे पहले हम किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं विजिबल्स में मतलब वो सारी ट्रांजेक्शन जो आप देख सकते हैं मैं रिपीट कर रहा हूं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में जो सबसे पहला पोर्शन आता है वो किसका आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स वो ट्रांजेक्शन जो देखे जा सकते हैं कोई भी चीज जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो राइट जो आप देख सकते हो जैसे कि मान लो ये बोतल एक्सपोर्ट की गई या फिर ये माउस इंपोर्ट किया गया या फिर ये स्टाइलस इंपोर्ट किया गया तो ये विजिबल आइटम्स है स्टूडेंट्स इनको देखा जा सकता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन जो देखी जा सकते हैं ठीक है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में दूसरा स्टूडेंट हमारे पास आता है अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा स्टूडेंट जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स होता है सिर्फ उसको सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स को बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी अगर मैं बीओपी और बीओटी की बात करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉड टर्म हो गई क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल इनविजिबल यूनिलेटल और भी अभी हम पढ़ेंगे क्या काफी सारी ट्रांजेक्शन आती है बट अगर मैं आपसे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करता हूं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स केवल और केवल ये विजिबल आइटम्स को ही इंक्लूड करता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक है इसको बोलते हैं या फिर इसी हम ट्रेड अकाउंट भी कह सकते हैं ठीक है थीके? तो दोनों में से कुछ भी लिखा सकता है तो अब इसके जो स्टेटस है स्टूडेंट वो दो हो सकते हैं या तो क्या हो सकता है ट्रेड सरप्लस है ना या तो क्या हो सकता है ये डेफिसिट, राइट right? कुछ भी हो सकता है ये तो ठीक है बैलेंस ऑफ ट्रेमेंट ट्रेड का जो स्टेटस है वो या तो सरप्लस में हो सकता है या तो वो किस में हो सकता है डेफिसिट के अंदर हो सकता है ठीक है सरप्लस एक सिचुएशन होती है जहां पे कोई भी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो उसके इंपोर्ट से ज्यादा होते है. ट्रेड सरप्लस इज अचुएशन जहां पे किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा है उसके इम्पोर्ट जबकि ट्रेड डेफिसिट जो होता है वो सिचुएशन होती है जहां पे किसी भी कंट्री के इंपोर्ट्स ज्यादा है इससे उसके एक्सपोर्ट्स है इजी टू अंडरस्टैंड यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं देखो students, वो देश जो कि डेवलपिंग देश होते हैं तो ज्यादातर डेवलपिंग देशों में ट्रेड डेफिसिट ही होता है ये हमने प्रीवियस जो चैप्टर्स अभी तक कवर किए उनमें कवर किया था याद करो आप लोग क्योंकि जनरली जो कंट्रीज डेवलपिंग हैं उन कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट के लिए उनको बहुत सी चीजों को फॉरन से मंगाना पड़ता है वर्णा वो डेवलप होंगे कैसे अगर आपको डेवलप होना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको बाहर से सामान मंगाना पड़ेगा ठीक है और जबकि क्योंकि आप डेवलपिंग हो तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाते एक्सपोर्ट्स जो है वो आप ज्यादा नहीं कर पाते जबकि इम्पोर्ट्स आपके अच्छे खासे रहते हैं तो इसलिए दो स्टेटस आ गए एक आ गया ट्रेड सरप्लस का और एक आ गया हमारे पास ट्रेड डेफिसिट तो दो स्टेटस होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड सेकेंड जो हमारे पास होता है वो होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल ठीक है अब इनविजिबल्स क्या होते हैं इनविजिबल स्टूडेंट जो होता है वो आती है सर्विसेस ऐसा तो नहीं है ना कि आज की डेट पे जो देश है वो केवल गुड्स का ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में इन्वॉल्व है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राइट आज जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं सर्विसेस के भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है सर्विसेज लाइक जैसे मैं आपको दे रहा हूं पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट कि जब हम ये वीडियोस को अपने ऐप पे डालेंगे यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो फॉरेन में हैं उनको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो लेक्चर्स बाय कर ले तो उनसे जो पेमेंट आएगी वो डेफिनेटली डॉलर में आएगी ना और ऐसा नहीं है कि ये ऐप के थ्रू ही होगा मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जो दुबई रशिया ठीक है और यूके में रहते हैं ठीक है तो काफी स्टूडेंट्स है मेरे पास जो मैं वहां से उनको पढ़ा रहा हूँ ठीक है अब वो जो पेमेंट्स मुझे करते हैं वो इंटरनेशनल पेमेंट गेट को यूज करके ट्रांसफर करते हैं पेपाल वगैरह के थ्रू आप जानते ही होंगे तो कहीं ना कहीं मैं अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जिसके बदले मुझे पेमेंट आ रही है तो टीचिंग की सर्विस हो गई डॉक्टर की सर्विसेज हो गई लॉयर की सर्विस होगी बहुत, हो हो बहुत सी इंश्योरेंस की सर्विसेज होगी फाइनेंशियल सर्विसेज होगी बहुत सी सर्विसेज है जो एक देश इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो दैट इज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल विच इज सर्विसेज ठीक है ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का पार्ट है आपके पास स्टूडेंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का एक और पार्ट होता है जिसे बोला जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स अब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या है देखो पता ही आप लोगों को ऑलरेडी ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन तो जितनी भी ट्रांजेक्शन है जो कि वन साइडेड होती है स्टूडेंट या तो आप रिसीव कर रहे हो या तो आप पे दो में से एक बात हो रही है या तो आप सिर्फ रिसीव कर रहे हो या तो आप पे कर रहे हो तो जब भी कोई वन साइडेड की जाएंगी तो उन्हें स्टूडेंट क्या कहा जाएगा उन्हें यूनि लेटरल ट्रांसफर्स या फिर आप कह सकते हो यूनि लेटरल ट्रांजेक्शन कहा जाएगा जो कि वन साइडेड है या तो आएगा ई आएगा या तो फिर सिर्फ जाएगा ही जाएगा तो ये वन साइडेड होगी तो पहला हमने क्या पढ़ा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स हो सकते हैं दूसरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल्स हो सकते हैं तीसरा वहां पर वन साइड ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जैसे कि मान लो कोई देश डोनेशन रिसीव कर ले ठीक है या किसी तरीके के फॉरेन से आपको गिफ्ट्स आ जाएं या फिर आप जानते होंगे रेमिटेंसेस है ना रेमिटेंसेस क्या है सपोज like, कि कोई फॉरेन uh, में आपकी फैमिली का कोई मेंबर है अब वो अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे अपने पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को मनी भेज रहे हैं रेमिटेंस है या फिर आप में से कोई फॉरेन पढ़ने के लिए जाता है आपके पेरेंट्स आपको मंथली बेसिस पे जो भी अमाउंट दे रहे हैं ताकि आप वहां पे अपना सर्वाइवल कर सके उसे भी रेमिटेंसेस कहते हैं तो ये आगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन आती है इसके अलावा देखो अब ये तो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन हो गई कि आपने आइटम मंगाए आइटम बेचे सर्विसेज मंगाए अब आते हैं अब आप एक बात समझो कई बार से पूरे के पूरे बिजनेस ही उठ के यहाँ पे आ जाते हैं ठीक है तो वो भी तो एक ट्रांजेक्शन ही ना क्योंकि वो कहीं ना कहीं डॉलर को लेकर के आएंगे यहां पर फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिससे खरीदेंगे वो राइट तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमने क्या बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है किस तरीके से फॉरेक्स आ रहा है ठीक है फॉरेक्स अगर आ रहा है तो वो रिकॉर्ड करेगा फॉरेक्स अगर जा रहा है तो रिकॉर्ड करेगा फॉरेक्स कैसे भी आए कैसे भी जाए उसे रिकॉर्ड करना ही है तो इसलिए अगर आपका देश किसी तरह की इन्वेस्टमेंट में या किसी तरह की लैंडिंग बोरोइंग के अंदर इन्वॉल्व है ठीक है तो यह भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि चाहे इन्वेस्टमेंट हो आपके पास हो या आप करें कहीं ना कहीं एक ह्यूज अमाउंट में फॉरेक्स का इन्वॉल्वमेंट है सिमिलर विद लैंडिंग है ना कहीं ना कहीं लैंडिंग में भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेक्स इन्वॉल्व है तो जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं वो चार पार्ट में आ गई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल और ट्रांजेक्शन तो है जिसे हम रिकॉर्ड करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टडी करते हैं अब क्या होता है सूरन की ये सारी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है इन्हीं को रिकॉर्ड करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में बनाए गए हैं कॉम्पोनेट ठीक है जिसे आप कह सकते हो कि दो अकाउंट है जो कि हमने यहां पे लिखा था कि कौन कौन से एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट ठीक है ठीके? ये आपको दिखा रखा है एक टेबल इस डिस्कशन करते हैं पहले मैं आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट समझा देता हूं देखो सुरन ये जितनी भी ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो ये वाली है ना जिसमें मतलब किसी तरह की ओनरशिप की बात एसेट्स की ओनरशिप की बात नहीं हो रही किसी भी तरीके से बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फॉरेक्स जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है ठीक है जिसमें किसी भी तरह की लाइबिलिटी की बात नहीं हो रही जस्ट हम नॉर्मल ट्रेड की बात कर रहे हैं जिसके अंदर तो ये सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के अंदर अब आप देख रहे हो पहले हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है उनमें से एक ट्रांजेक्शन को क्या नाम दिया गया बैलेंस ऑफ ट्रेड नाम दिया गया ठीक है और जो विजिबल है इनविजिबल है और यूनिलेटरल है इन तीनों का जो रिकॉर्ड है इनको किस में रिकॉर्ड किया जाएगा करंट अकाउंट नाम से एक कॉम्पोनेंट है उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा और जो ये इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग स्टूडेंट की जा रही है इसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट इस तरीके से अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो अकाउंट बने स्टूडेंट वो कितने बने दो कौन कौन से करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट अच्छा अब एक बात हमें यहाँ पे याद रखनी है स्टूडेंट जितनी भी भी तरीके तरीके का इनफ्लो इनफ्लो ऑफ ऑफ फॉरेक्स 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 है है अगर मेरे पास किसी भी तरीके से बस देश में आ रहा है, चाहे मैं बोरो करके ला रहा हूं चाहे फॉरेन से कोई इन्वेस्ट कर रहा है चाहे फॉरेन से कोई रेमिटेंस दे रहा है चाहे कोई डोनेशन दे रहा है चाहे मैंने एक्सपोर्ट करके वहां से पैसा कमाया है किसी भी तरीके से अगर फॉरेक्स का इनफ्लो हो रहा है तो वो कहां जाता है क्रेडिट साइड बैलेंस ऑफ पेमेंट राइट और किसी भी तरीके से अगर आपका आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स है तो वो कहा जाता है स्टूडेंट डेबिट साइड तो अगर इनफ्लो होगा फॉरेक्स का तो वो जाएगा क्रेडिट साइड अगर आउटफ्लो होगा फॉरेक्स का तो वो कहा जाएगा डेबिट साइड तो ये सिंपल सा रूल आपको याद रखना है इसी के बेसिस पे आपका काम चलता है राइट चलो अब यहां पे देखो हमें कुछ दिया हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जैसे क्रेडिट में क्या है डेबिट में क्या है अब देखो इसमें एक प्लस दो चीजें आ रही है एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेक्स इनफ्लो है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम अगर आपने फॉरेन में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उससे कुछ पैसा आ रहा है तो इनफ्लो है क्रेडिट साइड ट्रांसफर रिसीट्स इन द फॉर्म मतलब किसी भी तरीके से फॉरनर से आपको पैसा आ रहा है इनफ्लो हो रहा है तो सारी इनफ्लो आ गया अब कैपिटल अकाउंट में देखो बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड इनफ्लो है ठीक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय फॉर अगेन इनफ्लो है ठीक है

एनआरआई रेमिटेंसेस आपके पास करंट अकाउंट का पार्ट है वाइल पास कैपिटल अकाउंट का पार्ट है डिफरेंस क्या है मैं समझाता अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसके कोई भी रिलेटिव पापा मम्मी या फिर भाई बहन कोई भी अगर यू ए में रह रहे हैं वहां पे काम कर रहे हैं तो आप उनसे एक बात पूछना वो आपको बताएंगे UAE जो कंट्री है जो सेवन है इनफैक्ट सऊदी अरब वगैरह जो है वो भी ठीक है सऊदी अरब यू का पार्ट नहीं है बट मैं वैसे बता रहा हूं आपको ज्यादातर जो ये आपकी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे मिडल ईस्ट और यू स्पेसिफाई कर रहा हूं फॉर द टाइम बिंग ठीक है तो मिडल ईस्ट हो गया या फिर यू का पार्ट हो गया ये कंट्रीज आपको सिटीजनशिप ऑफर कभी भी नहीं करती आप इस देश के अंदर मान लो आप 2024 चौबीस है आप आज चले जाओ और आप 2080 तक वहां बैठे रहो ठीक है तो भी ये आपको सिटीजनशिप नहीं देंगे अगर फ्यूचर में कोई लॉ चेंज कर दे तो एक अलग बात है करंट लॉ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं ये आपको सिटीजनशिप नहीं देने वाले आप कितना ही समय इन कंट्रीज के अंदर बिता दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिटीजनशिप आपको नहीं देंगे ये ठीक है होता क्या है फिर समझना

2024 में, और क्योंकि मुझे देगा नहीं तो फिर अगर जिस टाइम तक मैं काम कर रहा हूं तब तक तो ठीक है लेकिन जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा तब क्या ठीक है और मैं अपने बच्चों को या बाकी फैमिली को यहां पे लेके नहीं आना चाह रहा ठीक है मैं वापस अपने देश ही चला जाऊंगा वो देखते हैं अब मिस्टर दो चीजें हैं एक तो इनको यहाँ पे जो भी अपनी फैमिली है उस फैमिली को मनी सेंट करना है राइट है ना तो जो भी मनी ये सेंट करेंगे मंथली बेसिस पे उनका खर्चा चलाने के लिए उसे स्टूडेंट्स क्या कहा जाएगा उसे कहा जाएगा रेमिटेंस कौन सा रेमिटेंस अभी हमने पढ़ा रेमिटेंस बाय एनआरआई या फिर आप कह सकते हो एनआरआई ये कहा जाएगा ये बात समझ में आ गई हर महीने का ये कुछ दिरहम जो है वो भेज देते हैं अपनी फैमिली को कि भाई चलो अपना खर्चा आप चला लो लेकिन इनको पता है कि जब भाई में दो हजार चौबीस मान लो आज चल रहा है मान लो इनको पता है कि कि तक में ठीक है मैं मैं जब अपने देश वापस जाऊंगा तब मेरे पास कुछ नहीं हो। तो कि मैं तो वहां पर एक्सपीरियंस लेके आया और मैं काम अब इतना कर नहीं सकता ठीक है तभी तो वापस जा रहा हूँ क्योंकि जब तक काम करूंगा तब तक तो, तो इसी देश में कर लूंगा तो इनको पता है कि ट्वेंटी सिक्सटी तक में इनका टारगेट है पैसा कमा के वापस आ जाना है अब एक बात सोचो स्टूडेंट ये पैसा कमा के यहां पे आ गए लेकिन यहां पे क्या करेंगे यहां पे इनके पास इन्होंने फैमिली को तो भेज दिया लेकिन वो पैसा इनको यहां पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइमली थी। करते क्या है ये लोग एक ऑप्शन होता है विच इज कॉल्ड एनआरआई डिपोजिट एनआरआई डिपोजिट हर साल इंडिया को क्योंकि तो इंडिया से बहुत से लोग मिडल ईस्ट और बाकी पार्ट्स में है तो बहुत से लोग फॉरेन में हैं जिनको पता है कि अब सिटीजनशिप लेनी नहीं है वापस आ जाएंगे अपने देश में जब तक काम करें तब तक काम कर रहे हैं वो लोग करते क्या है वहीं से इंडिया के बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी अब इंडिया के बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अपना मनी इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि वो वहां से इंडिया के फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर अपना पैसा लगाएंगे के अंदर अपना पैसा लगा देंगे या जो आपका मल्टीपल ऑप्शन होता है उसमें पैसा लगाएंगे मतलब एनपीएस में पैसा लगा लेंगे मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि फॉरनर जो एनआरआईज है उन एनआरआई को इंडिया में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ऑफर की जाती है अगर आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं अब देखो तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे वो एज अ खर्चा रेगुलर अपना मंथली खर्चे के तौर पे फैमिली को भेज रहे हैं जबकि पे वो एक तरीके से अपना कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़े अमाउंट में हर साल मिलियन डॉलर्स के अंदर जो फॉरेक्स है वो इंडिया में एनआरआई डिपॉजिट के तौर पे एंटर करता है मैंने आपको यही समझाया था थोड़ी देर पहले कि जो आपके पास एक ट्रांजेक्शन है जिसमें एसेट्स की ओनरशिप की बात आती है जिसमें ह्यूज अमाउंट में फॉरेक्स आता या फिर जाता है इन्वेस्टमेंट्स किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है तो वो वाला पार्ट तो ये एनआरआई डिपॉजिट इसीलिए किसका पार्ट बन जाता है कैपिटल अकाउंट का पार्ट बन जाता है क्योंकि ये एक तरीके से हमारी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा रहा है अच्छे खासे अमाउंट से बढ़ा रहा है ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए कंट्री इस को ट्रेड नहीं कर रही क्योंकि कंट्री को कुछ भी देना नहीं है बाकी जगह तो तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगे हुए हो यहां सिर्फ तुम्हारे को वहां के सिटीजन क्योंकि वो वहां पे गए हुए हैं और तो इसलिए तुम्हें वो पैसा आ रहा है और अच्छा पैसा तुम इसमें अपनी कंट्री में फॉरेक्स फॉर सेव कर पाते हो इसीलिए एनआर डिपॉजिट एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंडिया के बैलेंस ज्यादातर इंडियन सी फॉरन जाकर वहां पे अर्न कर रहे हैं और अपना मनी अपने देश के अंदर किसी न किसी फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसीलिए कहां पे आता है स्टूडेंट ये आपके पास आता है आपके कैपिटल अकाउंट में चलो अब जरा आते हैं चार्ट पे अब यहां पे दिया हुआ है एक और अकाउंट ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट अब स्टूडेंट ये ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट क्या है देखो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर एक ट्रांजेक्शन दो बार में रिकॉर्ड की जाएगी एक है डेबिट और एक है क्रेडिट और आप में से सारे स्टूडेंट अकाउंट के हैं तो एंड में जब आप बैलेंस करते हो स्टूडेंट तो हमेशा दोनों जगह बैलेंस सेम ही आता है है ना लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है या ग्रॉस लॉस नहीं हो सकता या मैं ये मान लू कि इसका मतलब यह है कि आपके पी एंड एल अकाउंट के अंदर आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं होगा प्रॉफिट और लॉस तो होता ही होता है वो तो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके उसको सेटल करके दोनों बैलेंस क्या कर देते हैं सेम कर देते हैं यही होता है ना सेम बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी स्टूडेंट यही होता है कि आप जब भी अपना अकाउंट मैनेज करेंगे तो ये हमेशा बैलेंस्ड सिचुएशन में आता है हमेशा बैलेंस होके आ जाएगा ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कंट्री के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आई ही नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ठीक है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि हमारी कंट्री के ऊपर कोई फाइनेंशियल वाली कैटेगरी है इसको मैनेज करने के लिए ठीक है लिए, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन या कुछ भी करते हैं तो वो किसका पार्ट बन जाता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन की अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं

ये ट्रांजेक्शन केवल और केवल गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी को ही तो ये बात पता है ना कि मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस है या डेफिसिट में है आप समझ रहे हो मेरा बीओपी डेफिसिट में है या मेरा बीओपी सरप्लस में है ये सरप्लस में है या डेफिसिट में है? इसका स्टेटस किसको पता है इसका स्टेटस सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल मतलब जो ऑफिशियल्स बना रहे हैं उनको पता है तो वही इसको बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजेक्शन करते हैं उन्हें ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन का पार्ट माना जाता है इंडिया में कौन करता है आरबीआई इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को पूरी तरीके से देखने की मैनेज करने की वो किसके पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्योंकि इंडिया में आपने शायद मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स जो फॉरेक्स का कस्टडी होती है वो किसके पास होती है हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास तो सिर्फ आरबीआई हैज दिस

अपना बैलेंस करना है तो अगर फॉरेक्स फॉरेक्स बढ़ बढ़ रहा 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 है तो है 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 तो तो क्रेडिट साइड क्योंकि हो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट का अब डेबिट की बात कर लेते हैं इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस है ना तो ये सारे करंट का अंदर आ गए फिर लैंडिंग इन्वेस्टमेंट वाली बात है तो कहां जाएगा डेबिट साइड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय रेजिडेंट यहाँ के लोगों ने वहां पे किया और नेक्स्ट है ये ऑफिशियल सेटलमेंट के अंदर विद्रोअल ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ डिपोजिट्सियल रिजर्व ऑफ गोल्ड ठीक है विद्रॉल करें यहाँ पे क्या था कि आपके पास हो रहा था और यहाँ पे क्या है कि आपके पास रिडक्ट हो रहा है तो ये चीज आ जाती है राइट चलो अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कुछ चीजें जो हमने पढ़ा था उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अंदर बैलेंस ऑफ अकाउंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड ऑल दोशन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट राइट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप उन्होंने कोई प्लांट खोल दिया जिसकी बात हो रही है कि हाँ गुजरात में शायद वो अपना प्लांट लगाएंगे अगर उन्होंने प्लांट लगा भी दिया स्टूडेंट तो एक बात मुझे सोच के बताओ ना क्या वो लैंड उठा के ले जाएंगे नहीं

अब देखो एक बात समझो अगर कोई भी कंट्री ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रही है ठीक है या ज्यादा से ज्यादा फॉरेन विजिट्स पे जा रही है जा रही है राइट ठीक है या ज्यादा से ज्यादा कंट्री फॉरेन के अंदर इन्वेस्ट कर रही है यहां से लोग वहां पे इन्वेस्ट कर ठीक है और मान लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं फॉरेन स्टडीज के लिए जा रहे हैं भाई हमें पढ़ना है हम बाहर जाएंगे ये सारी ट्रांजेक्शन में आपको फॉरेक्स चाहिए तो ये शो करता है ठीक कर है या फॉरेन से विजिट्स इंडिया में बढ़ रही हैं या फिर मैं कहूंगा फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रही है या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स तो नहीं आते लेकिन मान लो कि फॉरेन Uh, मतलब रेमिटेंसेस uh, आ रहे हैं ठीक है हमारे देश में तो ऐसे में आपका सप्लाई ऑफ फॉरेक्स जो है वो इंक्रीज तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस के हिसाब से बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी जो फॉरेक्स की डिमांड है वो ज्यादा रहेगी या कम ज्यादा से ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट्स देश में आने का मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेक्स बढ़ेगा बट वही अगर आप बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे उन चीजों की तो डिमांड जो है वो कम बढ़ेगा तो और आप इतना समझदार ऑलरेडी है कि आपको ये बात का अच्छे से पता है कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपका रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन होगा जितना ज्यादा आप फॉरेक्स का डिमांड करेंगे फॉरेक्स उतना महंगा मिलेगा जितना कम आप फॉरेक्स का डिमांड करेंगे उतना फॉरेक्स सस्ता होता जाएगा जितना सप्लाई फॉरेक्स का बढ़ेगा

क्या uh, कहते के हैं इंपोर्ट सब्सिड्यूशन पॉलिसी लेना चाहते हो या एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लेना चाहते हो तो ये डिपेंड करेगा कंट्री के के बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस पे कि आप कितना इस साल करने करने दोगे दोगे या नहीं एक्सप्लेन द इंटरनेशनल ट्रेड राइट जैसे अगर इंटरनेशनल तो, uh, in right? in right? ट्रेड जो भी होता था दुनिया में उसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्टूडेंट आप समझ रहे हो ट्वेंटी मतलब इंडिया का डोमिनेंस इतना ज्यादा था उस टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड में बट प्रेजेंटली अगर मैं बात करूंगा ठीक है आज अब तो देखो थोड़ा इफैक्ट चेंज हो चुके हैं बट अगर आज से दस साल पहले भी जाएंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो इंडिया का जो रोल है परसेंटेज के में बात करूं मैं तो इट्स ओनली अराउंड वन और टू परसेंट

इसका बहुत अच्छा एग्जांपल समझने के लिए आपके पास है पाकिस्तान पाकिस्तान ने लगातार अपनी कंट्री के अंदर कुछ भी बनाया नहीं वो सिर्फ इंपोर्ट करता गया और खैरात के ऊपर डिपेंड होता चला गया कि फॉरेन से लोग उसके रेमिटेंस उनको भेजते गए उसके दम पे वो चलता गया तो ऐसे में लगातार ईयर ऑन ईयर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट्स होते गए होते गए होते गए तो आज मतलब पाकिस्तान सच में इतने बुरे हालातों में कि भूखा मरने के हालात हो चुके हैं पाकिस्तान में लोगों के पास हम लगातार लास्ट साल से ये न्यूज अगर आप देख रहे हो सुन रहे सुन तो आपको पता ही होगा कि वहां की सरकार के पास पैसा ही नहीं मचा है अब सिर्फ वो लोन लोन के ऊपर डिपेंड करे जा रहे हैं और लोन भी अब आप एक बात सोचो कि अगर आप एक कंट्री के तौर पे भी लोन मांगोगे वर्ल्ड बैंक से लोन मांगोगे तो वर्ल्ड बैंक कहेगा ठीक है या कोई भी कंट्री और कंट्री से लोन मांगेगी तो कंट्री कहेगी ठीक है हम लोन देंगे आपको लेकिन उस लोन को वापस करने के लिए जो गारंटी चाहिए वो क्या है आप एक इंडिविजुअल आप बैंक से लोन मांगे जाते हो बैंक आपसे सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लेता है स्टूडेंट्स उसके बाद दे, देता है लोन क्योंकि उसको इंश्योर करना होता है कि जिसको मैं ये लोन दे रहा हूँ वो मेरे को रिटर्न करेगा नहीं करेगा उसको ये तो इंश्योर करना है तो ये चीज होती है राइट तो अगर पाकिस्तान को लोन भी दिया जाएगा तो ये सोच समझने के बाद दिया जाएगा कि भाई वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा क्योंकि ऐसे में कई बार सिचुएशन क्या हो जाती है या तो कंट्री इन्फ्लेशन में आ जाती है नहीं तो कंट्री डेट ट्रैप में फंस जाती है क्योंकि लोन था उसको चुका नहीं पाए एक और लोन ले लिया उसको चुका नहीं पाए एक और लोन ले सो लाइकवाइज द कंटिन्यू लार्ज सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स बियॉन्ड द के कैपेसिटी ऑफ द कंट्री में पर इन्फ्लेशन वो कह रहा है कि इसी हिसाब से अगर लगातार कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सरप्लस में आता चला गया तो वो इन्फ्लेशन ले आएगा क्यों क्योंकि मनी की वैल्यू बहुत खत्म हो जाएगी इसकी वजह से वो इन्फ्लेशन लेके आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम है तो इसलिए बैलेंस करना जरूरी होता है पॉलिसीज को देखना जरूरी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट रिफ्लेक्ट द कॉम्पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड कॉम्पोजिशन कैसे क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेटमेंट में हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अगर आपने एक निडल भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा कि कौन सी कंट्री से मंगाया गया कौन ट्रेडर था तो मतलब कॉम्पोजिशन तुम्हारी कंट्री मेजरली क्या क्या एक्सपोर्ट करती है और तुम्हारी कंट्री किस किस को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है तो कॉम्पोजिशन का मतलब है क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और मैग्नीट्यूड का मतलब है किस किस के साथ आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं राइट ओके

क्योंकि मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि मैं कितना एक तरीके से इनकेपेबल हूं राइट मैं कितना इनकेपेबल हूं कि मुझे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड़ तक करने के भी पावर एबिलिटी मेरे पास नहीं है तभी मैं दूसरों को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा हूं और अगर कोई कंट्री वहीं उसी जगह पे फिनिश गुड्स को ज्यादा से एक्सपोर्ट कर रही है तो ये शो करता है कि कंट्री जो है वो कितनी है है और देखो एक बात तो सब आपको ही पता है, अगर आप फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करोगे तो आप फॉरेक्स को ज्यादा कमाओगे जबकि प्राइमरी गुड रॉ मटेरियल के पैसे आपको ज्यादा नहीं मिलने वाले राइट तो प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट करना आपकी वीकनेस को शो करता है वहीं उसी जगह पे फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करना आपकी पावर शो करता है लेकिन जरूरी नहीं कि फिनिश गुड्स हमेशा पावर ही देंगे क्योंकि अब आप मान लो जैसे इंडिया है स्पाइसेस वेजिटेबल फ्रूट्स ये एक्सपोर्ट कर रहा है ये आपको इतना बड़ा पावर नहीं दे सकता इंटरनेशनल मार्केट में आपको कहीं ना कहीं कैपिटल जो टेक्निक्स है उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करना चाहिए जो आपकी पावर और डोमिनेंस को शो कर सकता है राइट चलो

डिटरमिन अमाउंट ऑफ़ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टू बी गिवन अ कंट्री वो कह रहे कि देखो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को देख करके जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया ये इस चीज को डिसाइड करेंगे कि इस कंट्री को कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सकती है जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप बैंक के पास जाओगे कि भाई मेरे को लोन दे दे तो बैंक कहेगा ठीक है मैं लोन दूंगा लेकिन वो लोन देने के लिए फर्स्ट आई नीड टू चेक विद योर प्रोफाइल कि आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कितने लोन के लिए एलिजिबल हो राइट right? हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि आपको आपकी मतलब रिटर्निंग कैपेसिटी से ज्यादा लोन दे दे क्योंकि फिर आप वापस कैसे करोगे तो जिसके लिए वो आपके ITR या फिर आप कोलेट्रल कोलेट्रल तो की वैल्यू ये सब देख करके तो कंट्रीज को भी लोन देने का मतलब ये है कि कंट्री तो कुछ भी कर सकते नहीं कंट्री है तो भी आपको पैसा तो रिकवर करना है सो so मनी रिकवर करने के लिए यू हैव टू बी कॉशियस के पहले आप देखोगे कि कितना कवर हो सकता है तभी आप लोन दोगे वरना नहीं दोगे राइट right?